Assalamualaikum guys, how are you all? Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. मैं मजे में बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि हो रही है मुझे कफ. जी हाँ, बहुत खांसी हो रही है मुझे. पिछले 3-4 दिनों से हद से भी ज़्यादा तेज़ वाली मुझे कफ हो रही है और कोई दवाई, कोई मुझ पर कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही है. क्या कहना है आपका इस बारे में? अल्लाह ही कर सकता है, इंसानों के बस की बात नहीं है. मेरा मुझे बार बार कहते हैं मेडिसिन खा लो, मेडिसिन खा लो. वो इसलिए क्योंकि बोलो ना मेडिसिन दूँ. सो हाँ जी, सो मेडिसिन दूँ कफ की. मुझे पता है क्यों देना चाह रहे, ये चाहते मैं सो जाऊँ क्योंकि मुझे नींद बहुत कम आती है और आप ऑब्वियसली कफ सिरप पी के फौरन टन हो जाते हो. तो मुझे लगता है मेहरान मुझे इसीलिए नहीं, नहीं यार, अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा चाहूँ. हाँ जी, कफ सिर्फ मैं इसलिए नहीं पी रही क्योंकि मुझे वो पी के नींद आ जाएगी. वैसे मुझ पे कोई ऐसी खास असर नहीं करती, मुझ पे कोई नींद की दवाई असर नहीं करती है. किडनैप नहीं हो सकती तुम कभी. मैं किडनैप नहीं हो सकती. सो आज है संडे और संडे बड़ा बोरिंग गुजर रहा है, पर अभी मेरे माइंड में आइडिया आया. संडे होगा, संडे है तो संडे मार्केट भी लगी हुई होगी और हम जाके विजिट क्यों ना कर लें. तो एक संडे को हम फंडे भी बना लेंगे और आपको दिखा दें मज़े मज़े की चीज़ें आजकल क्या मिल रही हैं, क्योंकि है जी सर्दियों का मौसम, ठंडे ठंडे कपड़े मिल रहे होंगे, गर्म गर्म कपड़े मिल रहे होंगे इस ठंडे ठंडे मौसम में. सो लेट्स गो. मुझे वैसे संडे मार्केट में बहुत मज़ा आता है, बहुत इतनी मज़े मज़े की अच्छी चीज़ें होती हैं. मेहरान ने अभी ये नहीं कहा मज़े मज़े की. सो जी, अपने आप को भी पैक करके आए और अपना सामान भी पैक करके आए अच्छे तरीके से. वाओ मेहरान, ये देखो, विल्दान को वेट बनने का बड़ा शौक होता है, हम ये इसके लिए ले लेते हैं. इट्स कूल ना, ये वाला वाइट वाला ये. जी आ जाएगा पूरा. हाँ आ जाएगा. ये क्या प्राइस है इसकी? 300. ये तो सिर्फ कोट है, इसको इतना महंगे क्यों दे रहे हैं? और इस पे दाग भी लगा हुआ है थोड़ा सा. 250 रुपए दे दो. नहीं नहीं, इससे दे रहे हैं 150 नहीं करेंगे? नहीं, चले 200 का करते हैं. आपने तो एक ही दाम बता दिया, 300 बोला, 250. व्हाट व्हाट जी, मैन टू मैन बात होती है तो हो जाता है. क्या मैन टू मैन बात होती है तो हो जाता है 200 का कर दिया भाई. आपने मेरी तो बात नहीं मानी, मैं अभी तो 200 का कह रही थी. क्या कर रही थी? आपने इनकी बात मान ली, मेरी बात नहीं मानी. मुझे एक्चुअली विंडो शॉपिंग करने में यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है. सो यहाँ पे बेसिकली आपको ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे बहुत सस्ते दामों में. आजकल वैसे थोड़े से ज़्यादा प्राइजेस यहाँ पे हुई हैं क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई है तो उसी हिसाब से, बट ब्रांडेड कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं, प्री लव्ड कपड़े मिल जाते हैं और कोई कोई कभी कभार ऐसे भी मिल जाते हैं जो यूज़ भी नहीं हुए भी होते. यहाँ पे गाइस देखें, यहाँ पे आपको सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं स्कूल में, फैंसी शोज होते हैं, बार्बी की मैक्सीज, बैटमैन, सुपरमैन. इज दिस न्यू? अच्छा हाँ, मोस्टली आपको यहाँ पे न्यू, ये बेसिकली रिजेक्टेड. ओह वाओ, ये दिस इज वो यार. हाँ आई गेस ये वो वाले कैरेक्टर का, बट नाइस ना. विल्दान को शॉपकीपर बनने का बड़ा शौक होता है, उसके लिए उस तरह का कुछ ढूंढो. 300, 400, 600 और ये सारे 100 रुपए. कैन यू इमेजिन, ये 100 रुपए का है बट मैं ले नहीं रही हूँ. 100 रुपए का क्यों है, मैं ये सोच रही हूँ 100 रुपए का क्यों है. यहाँ गाइस आपको अपर मिडिल हर कैटेगरी के लोग नज़र आएंगे. यहाँ हाई एंड ब्रांड्स की चीज़ें काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलेंगी, विच इज़ ग्रेट आई थिंक. ये तो मेरे में यूज्ड होंगे, प्री लव्ड. लेकिन थोड़ा देख देख के चीज़ें सिलेक्ट कीजिएगा. मैं बिल्कुल अनटच्ड जो चीज़ें होती हैं
उनको मैं यूजुअली सिलेक्ट करती हूँ जिन पे टैग्स भी लगे हुए होते हैं, तो वो यूजुअली, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैंने जहाँ तक सुना है कि वो रिजेक्टेड जो चीज़ें होती है, रिजेक्टेड आइटम्स जो होते हैं कंपनी से, जो कि अनएक्सेप्टेबल होते हैं मार्केट में जाने के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड दीस थिंग्स कि कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं, बट ये है कि आप ले सकते हैं अच्छी प्राइस पर, आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है, सो व्हाई नॉट। इससे अच्छा हम किसी बड़ी शॉप से ना लेने। यहाँ एक ग्रीन स्वेटर देखो, नाइस ना, नहीं ये बॉयज़ की भी वैरायटी है, थोड़ी दिखा दो ना बॉयज़ की भी वैरायटी। सो गाइज आपको यहाँ पे ब्रांडेड भी मिल जाएंगे, दिस वन क्या तो क्लासी लग रहा है यार ये, अगर मैं चाइना होती तो मैं ज़रूर ये बाय करती। यार स्वेटर देखें आप कितने हसीन हसीन स्वेटर्स हैं, हर स्वेटर पे मेरा दिल आ रहा था, बहुत खूबसूरत यहाँ पे कलेक्शन थी। ये वाला दिखाएं, ये वाइट वाला भाई, पर इस पर मुझे कुछ दाग सा लग रहा है। क्या प्राइस है इसकी, ये वाले स्वेटर की 450 का है, फिक्स प्राइस है। और ये बाकी जो ऊपर लगे हुए हैं ये स्वेटर्स, इनकी क्या प्राइस है, सबकी कितना क्यूट है। मेहरान के साइज का रोमपर दिखा दिया इन्होंने, हाँ मेहरान तुम्हारे साइज का रोमपर है ले लो, क्यूट लग रहा है वैसे। घर देखे थे क्यूट क्यूट कपड़े हैं बच्चों के, बहुत अच्छे हैं, नाइस। ये देखिए ये कितना क्यूट है, बट आई एम काइंड ऑफ ओसीडी पर्सन, तो मैं ना थोड़ा सा चीज़ें लेने में, देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बट लेने में मैं हज़ार बार सोचती हूँ कि ये कैसा होगा, कहाँ कहाँ से होता हुआ आया है, क्या हुआ है। सो इस चीज़ में मैं काफ़ी चीज़ें छोड़ देती हूँ, बट यह चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं बहुत। अगर आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा आप। गाइस अब मुझे सर्दी लगना स्टार्ट हो गई है, मेहरान ने मुझे बहुत बोला था पहन लो पर मैंने मना कर दिया था, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए कहते बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। क्या मुझे पता था आप लोग वापस आएंगे, कम नहीं छोड़ के चले गए थे क्योंकि कम नहीं कर रहे थे। ये वाला भी दे दें, ये मुझे दिला के नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं 1100 रुपये में नहीं 1000 रुपये में दो स्वेटर्स दें। देखो सुन लो बहुत महंगा आ रहा है आगे से, हमारे लिए भी तो महंगा है ना। कि बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ की शू कलेक्शन लगती है, चाहे वो बड़ों के हों बच्चों के हों, सबके शूज़ बहुत ही औसम यहाँ पे मिलते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। ये देखिए बूटीज कितने क्यूट हैं, ये काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ब्रांड्स एडिडास नाइकी ये सब बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 100,000 आपको शू यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में, 1000 में, कभी कभी अंडर 500 भी आपको मिल जाएगा आप यहाँ से। और शूज़ आप चेक करें, हील्स बहुत अमेजिंग हील्स यहाँ पे मिलती हैं, शू मैं फिर भी ले लेती हूँ बट कपड़े लेने में थोड़ा सा स्कूस्ट। ये बूट्स चेक करें गाइस, सो ब्यूटीफुल, ब्लैक वाला चेक करें, अमेजिंग। शनेल, लुई विटॉन, डियोर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको यहाँ पे बैग्स भी मिल जाएंगे। ये 1200 के तीन है, 350 का है, 1200 का है ये, वाह। बर्तन भी मिलेंगे भाई आपको यहाँ पे, मेहरान बर्तन ये देखिए जी, यहाँ पे H&M की ज्वेलरी है यहाँ पे सारी। क्या प्राइस है इसकी क्या प्राइस है, 350 का है ये। ये तो मैंने बाय कर लिए हैं, ये सब हम आ गए टॉय शॉप, टॉय सेक्शन में, टॉय एरिया में। लुक एट दिस पीकॉक,
सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है भाई तुम तो। मैं इस बार पैसे इसी वजह से कम लाए थे, जितने होते खर्च कर दिया, पैसे खत्म, चलो निकलो। पैसे खत्म करके जा रहे हैं, हालांकि मैंने लिया कुछ नहीं है। सो दिस वॉज आर ट्रिप टू संडे मार्केट। तो अब मगरब का टाइम हो रहा है, वी आर गोइंग बैक टू होम। शैतान बंद हो रहे हैं ना। एक मुसलमान को शैतान कहना बहुत गुनाह है। अब देखिए कैसे हक करेगा। We have got something else for you. Close my eyes. No, you have to hug me first. हाँ ये 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 tight वाला huggy. This is Elsa. Elsa, yes. And Baba. Hug Baba. Thank you. Welcome. What is this, Vildan? A sloth. What is this? A sloth. A sloth. A owl. Show me. Look at this. We have got a special thing for you. Special thing? Yes. Give me. This. Will I have become a doctor? Yes. You ready? Show me that. You didn't buy me doctor's stuff. That was my Sunday market tour vlog. ये मैंने last week shoot किया था, but मैंने इस week upload किया है। थोड़ी सी मैं busy हो गई थी। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, गला बहुत ख़राब है। दो हफ्ते से मेरी बिल्कुल यही continuously यही हालत है। और उसके अलावा विल्दान की भी मेरे साथ साथ तबीयत ख़राब हो गई, वो और ज़्यादा मेरे लिए disturbing हो गया। But what to do, मैनेज करना है। Please do remember us in your prayers, ठीक है, special prayers। मौसम जो है वो चेंज हो गया है, obviously थोड़ी सी गर्मियाँ आ गई हैं कराची में, पाकिस्तान में। सो मे बी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो, मे बी थोड़ा समर कलेक्शन आ गया हो, अब मे बी विंटर कलेक्शन चला गया हो। बट यू गाइज मस्ट विजिट देयर। ये गुलशन वाले संडे मार्केट में मैंने टूर किया था। अब ये जो आने वाला संडे है, इस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। मे बी समर की बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ गई हों। I really love going there. बहुत मजे मजे की चीज़ें होती हैं। सो जब भी आप लोग विजिट करें, मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छी चीज़ें मिली कि नहीं मिली। और यहाँ पे एक टिप है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है ना, तो आप उसी वक्त फ़ौरन उठालो, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम वो आपको चीज़ कभी नहीं मिलेगी। और मेरे साथ ही बहुत हुआ। इफ यू गाइस आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन सो यू गाइस कैन नेवर मिस अ वीडियो। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई लाइफ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू गाइज़ ऑल।